अस्सलाम वालेकुम। आज के रेसिपी में ओट्स को बनाएंगे। इसको हम दो तरीके से बना के दिखाते हैं। इसमें ट्रेडिशनल तरीके से हम पैन में और एक तरीका ब्रेक करके भी दिखाते हैं इस ओट्स को। इन दोनों तरह के भी अच्छे लगते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट रहेगा उससे तरीके से बना सकते हैं। इन दोनों तरीके ओट्स को बनाने के लिए हम पहले गुड़ का शीरा बनाएंगे। गुड़ का शीरा बनाने के लिए हमने बोल स्टोव पे रख लिया है। इसके अंदर 400 ग्राम स्मैश किया हुआ गुड़ और 400 ml तक पानी को ऐड किया है। इन दोनों को मेल्ट कर लेंगे हम मिक्सिंग कर लेते हुए। इसका शीरा नहीं बनाना है, बस मेल्ट कर लेना है। मेल्ट हुए साथ ही इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद फ्लेम ऑफ कर देके लीड रखे बोल को साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हम सूजी को भून लेते हैं। सूजी को भूनने के लिए हमने 2 टेबलस्पून घी डाल लिया है पैन में और 250 ग्राम सूजी को ऐड करेंगे। सूजी को सौंधी बास आने तक भून लेना है मिडिल हीट पे रख के फ्लेम को। सूजी भुने जाने के बाद हम इस सूजी को मिक्सिंग बाउल में काट लेते हैं साइड पे। इसी ही पैन में हम क्यों के आटे को भुनेंगे। इसके लिए हम 4 टेबलस्पून घी डाल लिया है और 500 ग्राम क्यों के आटे को डाल लेंगे। इस आटे को भी भून लेते हैं हीट को मिडिल फ्लेम में रख के। पहले हमारे नानी के यहाँ इस आटे को इस्तेमाल नहीं करते थे। घी को दरदरा पीसा के इस्तेमाल करके बनाया करते थे रोट्स को। और हमने आटे को भून लिया है। इस आटे को भुने जाने के बाद हम बोल में डाल लेते हैं। इस आटे को भी मिक्सिंग बोल में डाल लेके इसी ही पैन में ड्राई फ्रूट भुनेंगे। इसके लिए हमने पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल लिया है। इन ड्राई फ्रूट में ड्राई कोकोनट को आधी बटी ग्रेटेड करके डाल लिया है। ये छोटी बटी है। इसके साथ ही थोड़े से किशमिश ग्रेटेड किया हुआ 1 टेबलस्पून, पिस्ता 1 टेबलस्पून, मगज़ की बिंदा 2 टेबलस्पून, काजू और 1 टेबलस्पून बादाम को डाल लेते हैं। इन सारों को हम मिडिल फ्लेम रख के फ्लेम को भून लेते हैं। इन ड्राई फ्रूट भुने जाने के बाद इनको भी हम मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे। इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर को ऐड करके मिक्सिंग कर लेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। मिक्स कर लेते हुए इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी को भी ऐड करते हैं। घी डाल के फिर से दोबारा मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मेल्टेड किया हुआ गुड़ के शीरे को डालेंगे। गुड़ का शीरा हीट रहना चाहिए। आपका शीरा ठंडा हो गया तो फिर से दोबारा इसको हीट करके डाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा डाल लेते हुए मिक्स कर लेना है। गुड़ के शीरे के बने हुए रोट्स हेल्थी है और मज़े भी लगते हैं। शक्कर के बने हुए रोट से भी गुड़ के शीरे के बने हुए रोट्स ज़्यादा मज़े लगते हैं। और इनको मिक्स कर लेते हेंगे और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद ये नीम गरम हो गया है। अब हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। गरम शीरा डालने पर ही सूजी जल्दी फूकती है और इनको मिक्स कर लेके हम हाफ एन आवर रेस्ट पे रख देते हैं। हाफ एन आवर के बाद हम इन ड्राई फ्रूट को लिया है रोट बनाने के लिए। इसमें हमने खसखस और थोड़े से किशमिश छोटे बेटे ड्राई कोकोनट को हमने ग्रेटेड करके रख लिया है। इसके साथ ही इन ड्राई फ्रूट्स को लिया है। इसमें हमने ग्रेटेड किए हुए 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून हमने मगज़ के बीजों को लिया है। इन सारों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि रोट बनाने में आसान हो जाए ड्राई फ्रूट डालने में। और इनको मिक्स करके हम इनको ऐसे ही साइड पर रख लेते हैं रोट्स बनाते वक्त। अब रोट्स बनाएंगे। रोट्स बनाने के लिए हमने रेस्ट पे रखे हुए आटे को काट लेके बड़े बड़े गोले बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े गोले बना के रोट्स बना सकते हैं। हम मुट्ठी भर के आटे को लेके गोले बना रहे हैं। अब सारे गोले बनाने से आसान से रोट्स बन जाते हैं। इसके बाद रोट्स बनाएंगे। इसके लिए हमने मांडे पे थोड़ा सा घी लगा लिया और हाथ को भी, और रोट्स बनाएंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं मांडे पर, थोड़ा सा ड्राई कोकोनट
ग्रेट किया हुआ, इसके बाद थोड़ा सा खसखस और किशमिश को भी ऐड करेंगे। इन सारों को डालने के इस रोट्स के बैटर को रखे हम थपकेंगे, थपकने से चिपक जाते हैं ड्राई फ्रूट। देखिए हमने बना लिया है, ऐसे ही बना के साइड पे रख के सारे बना सकते हैं या एक एक बनाते हुए तल सकते हैं। हमने बना लिया है ऐसे ही, और एक दिखाएंगे। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ग्रेटेड किया हुआ खोपरा, किशमिश और खसखस को डाल लेके इस रोट्स के डो को रखे हम थपकेंगे। और आसान होने के लिए आप सब बना के साइड पर रख के तल सकते हैं या एक एक बनाते हुए आप वो सेक सकते हैं। हम सेक लेंगे रोट्स को। इसके लिए हमने पैन में घी डाल लिया है और इसके अंदर बनाए हुए रोट्स को रख लेंगे। घी को लगाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से, या खोपरा खसखस डाल के भी बना सकते हैं। देखिए ये कितने कलर आ रहा है। ऐसे ही दो तीन दफ़ा पलटाते हुए इनके साइडों को चेंज करते हुए बना लेंगे। इसको नक्शा भी लगा सकते हैं, नक्शे की प्लेट है तो आपके पास। हमारे पास नक्शे की प्लेट नहीं, इसलिए ऐसे ही दिखा रहे हैं। नक्शे के प्लेट है तो नक्शे पे सब ड्राई फ्रूट डाल के दबा देते हैं, तब ये रोट्स बनते हैं। फिर से हम दोबारा और एक डाल के सेक के दिखाते हैं। इन रोट्स को हमारे यहाँ मीठे चोंगे भी बोलते हैं। और हथेली से इसको ड्राई फ्रूट चिपकाते हुए भी रोस्ट कर सकते हैं। मीठे चोंगे, फीके चोंगे, दो तरह के चोंगे बनते हैं हमारे यहाँ। मीठे चोंगे ये हैं और फीके चोंगे भी कल परसों में अपलोड हो जाएगा, अब ज़रूर ट्राई करिए। देखिए हमने रोट्स बना लिया है, और हम रोट्स को ब्रेक करने का तरीका भी दिखाएंगे। इसमें हमने 40% आटे को बचा लिए थे। इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लिया है और एक अंडे को भी ऐड करेंगे। अंडे को और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इन आटे में। आजकल ये बेकरी में बिके जाते हैं रोट्स मुहर्रम महीने में। आप देख सकते हैं हमने पूरी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद हम हथेली को घी लगा लेके इस डो को छोटा सा बाल बना के लेके हम इनको ड्राई फ्रूट लगाएंगे। ड्राई फ्रूट लगाने के लिए मंडे पे हम थोड़ा सा ड्राई कोकोनट और ड्राई फ्रूट, खसखस और किशमिश रख के थपक देंगे। थोड़ा हल्का सा थपकना है। और थपक देने के बाद हम ग्रीस किया हुआ घी से बेकिंग पैन में रख लेते हैं। ऐसे ही सारे बना लेके 180 डिग्री पे 25 मिनट बेक कर लेना है। ये नान खटाई जैसे लगेंगे पकने के बाद रोट्स। आप देख सकते हैं हमने सारे पैन में रख लिया है। इसके बाद हम बेक कर लेंगे पैन में या तवे पे बनाए हुए ट्रेडिशनल रोट्स। ये बन गए हैं, हमने प्लेट सजा लिया है। ये ठंडे होने पर टाइट हुए हैं, थोड़े से शक्कर के हो तो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, गुड़ के ही थोड़े नरम लगते हैं। और बेक भी हो गए हैं, ये बेक कर लिया है आप देख सकते हैं। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, इसको भी ट्राई करिए। और इस रोट्स को महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये टाइट कंटेनर में रख के आप देख सकते हैं। हमने खोल के भी दिखाते हैं, जाली जाली आया हुआ है। प्लीज़ हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे रोट्स को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए। ये रोट खस्ते रहेंगे और तवे पे बनाए हुए इस रोट को भी दिखाते हैं हम। ये सॉफ्ट रहते हैं और इसको 4 रोज़ बाहर रख के खा सकते हैं। फ्रिज में है तो 10 डेज तक रहेंगे। ये दो तरीक़ों को ट्राई कीजिए, आपको कौन सा तरीका पसंद आएगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।